हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमएम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में संख्याओं के बारे में जाना था। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसके बारे में हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और भिन्न के बारे में बात चल रही थी। उसी को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा अगला टॉपिक लेते हैं कि किस तरीके से दशमलव जो विस्तार होता है, दशमलव विस्तार को भिन्न में बदलना। दशमलव विस्तार को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार तीन भिन्नों के बारे में पढ़ा था, अशांत भिन्न, शांत भिन्न, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति भिन्न के बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है हमेशा आपका अशांत आवृत्ति भिन्न से। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा था कि 0.3 पे जो बार लगता है इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1/3 होती है। आपको एग्जाम में ये चीज दे रखी होगी और आपको बोल देगा कि इसको भिन्न में दर्शाइए या फिर रिप्रेजेंट द डेसिमल इनटू द फ्रैक्शंस। तो देखते हैं, देखो एनसीईआरटी में जो आपका बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि मैं एक्स बराबर मान लेता हूं 0.3 पे बार। अगर मैं दोनों तरफ 10 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर 1/3 उछल कर आगे आ जाएगा और 3.3 पे बार लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 10x में से x को जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 9x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसमें से जब मैं ऊपर वाले को माइनस करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। यहां से x का मान कितना आ गया, 1/3, यानी कि आप देखो तो 3/9, और इसे सॉल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यही तो आपका भिन्न में रूपांतरण हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमें इस बेसिक मेथड का बिल्कुल यूज नहीं करना है, हमें एक बहुत ही शानदार तरीका सीखना है। और वो तरीका क्या है, देखिए, हमें 0.3 बार को भिन्न में बदलना है। ठीक है, सबसे पहले आपको डंडा खींचना है। आपने डंडा खींच दिया, अब देखिए दोस्तों, बिना दशमलव बिना बार के अगर मैं ये दशमलव हटा दूं और इस बार को हटा दूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 0.3, यानी कि आपका 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसमें से हमें माइनस करना है जिस पे बार नहीं है, यानी कि किस पे बार नहीं है, 0 पे बार नहीं है, तो मैं 0 को लिख दूंगा। उसके बाद हमें नीचे क्या लिखना है, जितनी संख्याओं पे बार, तो मुझे क्या पता चल रहा है कितनी संख्याओं पे बार है, सिर्फ एक संख्या पर बार है कि नहीं है, तो एक बार अपने को क्या लगा देना है नीचे, 9। दशमलव और बार के बीच में कोई संख्या नहीं है तो हम इसे ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे, यानी कि आपका ये किस में बदल गया, 3/9 में, और इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा कि नहीं आएगा। जो अभी के अभी हमने बेसिक मेथड से बिल्कुल देखा था, इसका भी आंसर कितना आ रहा था, आपका 1/3 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो हमें करना क्या है, जो भी संख्या आपको दी हुई है, जो भी दशमलव विस्तार आपको दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे आप एग्जाम्पल और ले लीजिए, 2.7 की अगर बात की जाए, 7 पे बार, यानी कि ये 7 कितनी बार आ रहा है, अनंत बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप डंडा खींचिए, सबसे पहले डंडा खींचो, उसके बाद बिना दशमलव बिना बार के क्या संख्या दिख रही है, इस दशमलव को छुपा लो, बार को छुपा लो, तो क्या आपको 27 नहीं दिखेगा क्या, उसमें से माइनस क्या करना है, जिस संख्या पे बार नहीं है, यानी किस पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, और नीचे क्या करना है, जितनी संख्याओं पे बार उतनी बार आपको क्या लगाना है, 9 लगाना है। क्या दशमलव और बार के बीच में कोई संख्या फंस रही है क्या, कोई संख्या नहीं फंस रही है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऊपर 27 में से 2 गया तो 25/9 इसका क्या हो जाएगा, आपका भिन्न में रूपांतरण हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आइए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक भिन्न ले लेता हूं 2.12 और सिर्फ 2 पर बार है। आप देखिए दशमलव के बाद 1 पे बार नहीं दे रखा है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप सबसे पहला डंडा खींचेंगे, बिना दशमलव बिना बार के आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं ये दशमलव छुपा लूं, ये बार छुपा लूं, तो आपको 212 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, माइनस जिस पे बार नहीं है,
यानी कि इसको अगर मैं छुपा लूं तो आप देखो 21 पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, 21 पे बार नहीं है दोस्तों। यहां पर दशमलव का कोई मतलब नहीं है, आप बार वाली संख्या को छुपा लो तो आपको 21 दिख रहा है, तो 21 को आप यहां पे माइनस कर देंगे। उसके बाद कितनी संख्याओं पे बार है आप देखिए, सिर्फ एक ही संख्या पे बार है, तो एक बार आप 9 लगाएंगे। लेकिन यहां पर चेंज क्या है, हमने दूसरे क्वेश्चन में देखा था दशमलव और बार के बीच में कोई संख्या नहीं थी, लेकिन यहां पर दशमलव और बार के बीच में आपकी एक संख्या फंस रही है। अगर संख्या एक फंस रही है तो एक बार 0 लगा देंगे, अगर दशमलव और बार के बीच में दो संख्या फंस रही है तो हम 2 बार 0 लगा देंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 212 में से जब मैं 21 को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 191/90। अगर ये 3 से 2 से अगर और कट पा रही है तो हम इसको और काटेंगे और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको इसका आंसर लेकर आएंगे। देखिए 9, 1, 10 और 11 ये किसी से कट नहीं रहा है, ना 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है लेकिन ऊपर वाली चीज नहीं कट रही, ना ये 2 से कट रहा है, ये किसी से भी नहीं कट रहा है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 2.12 पर बार, उसका भिन्न रूपांतरण कितना हो जाएगा, 191/90 हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, 1.116 पे बार, किस पे बार, 1.116 पे बार, इन दो संख्याओं पे बार है, मुझे इसे भिन्न में लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डंडा खींचूंगा। अब दशमलव और बार के बिना कौन है, इसको छुपा लो, इस बार को छुपा लो, तो क्या आपको 1116 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ है ना। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, जिस पे बार नहीं है वो संख्या, यानी कि जिस पे बार है उसको छुपा लो, क्या दिख रहा है आपको, 11 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी इसमें से हम 11 माइनस करेंगे। कितनी संख्याओं पे बार है दोस्तों, दो संख्याओं पर बार है कि नहीं है, तो 2 बार क्या लगा देंगे, यहां पर 9 लगा देंगे। और दशमलव और इस बार के बीच में कितनी संख्या फंस रही है, एक संख्या फंस रही है, तो एक बार क्या लगा देंगे, हम 0 लगा देंगे। इसको जब मैं माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, यहां पर 5011/990 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। आप इसको देखो, 5 से एक बार और इसके बाजे बजाइए, 5 से जब मैं इसके बाजे बजाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, और नीचे वाली संख्या के बाजे बजाएंगे तो 5 × 5 = 4, 5 × 5 = 45, 4 × 5 = 48, 40 बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका फाइनल आंसर जो होगा आपका 221/ क्या आ जाएगा, 198 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये बात करी हमने दशमलव विस्तार को भिन्न में कैसे बदलते हैं, आइए देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस बिल्ड हो सकते हैं और पूछे गए हम कुछ पिछले साल जो पूछे गए क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा था 2.7 पे बार प्लस 2.7, अगर इसको P/Q में लिखा जाए, P/Q का क्या मतलब होता है, यानी कि भिन्न में बदला जाए, तो हमें मान ज्ञात करना है P+Q का, किसका मान ज्ञात करना है, P+Q का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों मुझे पता है कि इस चीज को अपन कैसे सॉल्व कर लेंगे, इस चीज को कैसे सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले आपको क्या खींचना है, सबसे पहले आपको एक डंडा खींचना है, एक डंडा खींचा, मुझे बताइए बिना दशमलव और बिना बार के क्या संख्या दिख रही है आपको, 27 दिख रही है कि नहीं दिख रही है, माइनस जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, कितनी संख्याओं पे बार है, एक संख्या पे बार है, तो एक बार 9, क्या दशमलव और बार के बीच में कुछ फंस रहा है क्या, नहीं फंस रहा है, यानी कि ये आपकी कितनी हो जाएगी भिन्न, 25/9 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी, इसके साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, 2.7, 2.7 की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं इसे 27/10 नहीं लिख सकता, 27/10 लिखूंगा तो अब देखिए आप इसमें मुझे कितना जोड़ना है, 27/10 जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, अब मुझे क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है, 9 और 10 का यहां पर 27 आएगा, इस जगह पर 27 है, गलती से 9 आ गया, यानी कि 27/10 प्लस 25/ आपको क्या करना है, 9 करना है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका 90, ठीक है, 9 × 10 करोगे तो 90, ऊपर 25 से इसको गुणा करोगे तो 250 प्लस 10 × 9 करोगे और 9 बचेगा
तो कितना आ जाएगा 27 इंटू 9 कितना हो जाएगा 7 नाम 63 हासिल ऊपर लगा 6 9 दुनी 18 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो आपकी जो फाइनल भिन्न आएगी वो कितनी आएगी 3 9 4 अपॉन 90 आएगा कि नहीं आएगा। क्या दोस्तों ये वापस कट रहा है क्या? अब ये बिल्कुल नहीं कट रहा है। देखिए आप 9 और 4 13 और 3 16 तो ये 3 से तो नहीं कटेगा ना 2 से कटेगा, ये किसी से भी नहीं कट पा रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा भिन्न में रूपांतरण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपका 493 बटा कितना आ जाएगा 90, यानी कि यही आपका P बटा Q है कि नहीं है। तो P का मान कितना है 493 और Q का मान कितना है 90। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि P प्लस Q का मान क्या होगा, यानी कि 493 प्लस अगर मैं 90 करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 3 8 और 5 583 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि आपको जो भी दशमलव विस्तार दे रखा है यानी कि 2.7 बार प्लस 2.7 को अगर P बटा Q में लिखा जाए तो आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, जोड़कर आप इसको क्या कर लीजिए भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में बदलोगे तो आपका 493 बटा 90 आएगा। P का मान 493, Q का मान 90 और 493 आप 90 को जोड़ोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो कि आपसे पूछा है। P बटा कितना पूछा है आपको, P प्लस क्यू का मान पूछा हुआ है, कितना हो जाएगा 583 हो जाएगा। दोस्तों पिछली बार संगणक की जो भर्ती हुई थी 2018 में उसमें इस दशमलव विस्तार से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखा था, कुछ अलग हटके कंसेप्ट था। देखिए वो क्या कंसेप्ट था, अभी हमने बात करी कि 2.5 के बाद में यहां पर बार लग रहा है, इस दशमलव के इधर की तरफ बार लग रहा है, लेकिन संगणक में जो कंसेप्ट पूछा था वो कंसेप्ट क्या था, देखिए हमें ऐसा कुछ कंसेप्ट देखने को मिला कि 2.3 और बार लगाया हुआ था यहां पर, कहां पर दशमलव के इधर लगाया हुआ था बार। बच्चों का दिमाग खराब हो गया कि भैया दशमलव के इधर बार लगता है, यानी कि अगर ऐसा दिखा होता उनको कि 2.3 पे बार, इसका मतलब 2 और ये 3 कितनी बार आ रहा है, अनंत बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन इस संख्या को देखूं अगर मैं तो दशमलव के उधर बार है, तो बच्चों को लगा कि ये जो 2 है इधर ये अनंत बार आ रहा है और उसके बाद 0.3 दे रखा है, जो बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अगर दोस्तों दशमलव के इधर बार आ जाए इसका मतलब इधर वाली जो संख्या है वो आपकी नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। कहने का मतलब अगर मैं 2 पे बार ले रहा हूं, किस पे बार ले रहा हूं, 2 पे पहले बार ले लेता हूं उसके बाद मैं 3 लगा देता हूं, इसका मतलब ये जो आपकी संख्या है 2 पे बार, ये जो चीज है ये आपकी क्या है, नेगेटिव है। ऋणात्मक का 2 है, नेगेटिव का क्या है 2 है, और इसमें आपको कितना जोड़ना है आगे 0.3 दे रखा है, इसे आपको जोड़ना है, यानी कि -1.7 इसका करेक्ट आंसर था। अब क्वेश्चन किस तरीके से बिल्ट अप किया था आप देखिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ लोगों को डाउट रह गया हो तो। मान लीजिए 1 पे बार है फिर 0.3 दे रखा है, तो दोस्तों कंसेप्ट ये कहता है कि इधर की जो आपकी संख्या है जिस पे बार लगाया हुआ है ये जो संख्या हो जाएगी आपकी किसकी हो जाएगी, ये नेगेटिव का 1 हो जाएगा और आगे क्या जुड़ा हुआ है 0.3, तो इसमें आप 0.3 जोड़ दीजिए, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 0.7 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का आएगा। अब देखो जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा था संगणक की भर्ती में, 2018 संगणक सीधी भर्ती आई थी उसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व करने की ट्राई करिएगा। 2 पे बार 0.3 प्लस 2.3 पे बार प्लस 2.3 प्लस 2.3 पूरे पे बार, ये क्वेश्चन आपको पूछा था, और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे थे कि निम्नलिखित समीकरण का भिन्न में रूपांतरण क्या होगा। तो देखिए दोस्तों स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे, सबसे पहले डंडा खींचेंगे बिना दशमलव बिना बार की संख्या, माइनस जिस पे बार नहीं है, उसके बाद जितनी संख्याओं पे बार उतनी बार 9, दशमलव और बार के बीच में जितनी संख्या है उतनी बार 0 लगाएंगे, प्रत्येक एक एक संख्या को वो भिन्न में बदलेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे एलसीएम लेकर उसको जोड़ेंगे, जो कि एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसको चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है देखिए आप, क्या मैं, अच्छा एक आप और कंसेप्ट मुझे बताइए, क्या मैं 1.5 को 1 प्लस
0.5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अगर आपको डेढ़ दे रखा है तो इसका मतलब है एक प्लस आधा है कि नहीं है। अगर आपको ढाई दे रखा है या फिर 2.3 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, दो में मेरे को 0.3 जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। ये एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन चुटकियों में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप देखिए। अभी अभी हमने देखा कि दशमलव के इधर जब बार लगता है इसका मतलब वो संख्या कौन सी हो जाती है, नेगेटिव। यानी कि आपकी जो ये संख्या है क्या है, दो पे बार, ये आपका माइनस दो है, प्लस मुझे कितना करना है 0.3 करना है कि नहीं करना है। हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पर क्या लगा हुआ है, प्लस। क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं तोड़ सकता क्या, दो प्लस 0.3 पे बार। ये वाली जो चीज है मैंने इसको ऐसे तोड़ा, ये वाली जो चीज है मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया। अब बात बच रही है 2.3, तो बीच में आपका प्लस का साइन लगाया हुआ है। क्या मैं 2.3 को 2 प्लस 0.3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए, दोनों पर बार आ जाए, दोनों पर बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपकी इस संख्या पर भी बार है, यानी कि दो पर भी बार और इस तीन पर भी बार है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको क्या करिए, इस चीज को तो देखिए बीच में प्लस आ रहा है और ये जो संख्या है ये संख्या तो किसकी हो जाएगी, माइनस दो और बच क्या गया 0.3 पे बार। तो दोस्तों मैंने ये जो आपको एक समीकरण दे रखा था इसको मैंने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिए। देखिए इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो देखिए माइनस दो प्लस 0.3 होगा, प्लस है तो बाहर कोई अंदर चेंज नहीं होगा, दो प्लस 0.3 पे बाहर आएगा कि नहीं आएगा, यहां पर प्लस लगा हुआ है तो कोई चेंज नहीं आएगा, दो प्लस 0.3 पे 3 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहां पर देखिए प्लस है और अंदर माइनस है तो ये माइनस का 2, प्लस है इधर प्लस है तो ये प्लस का 0.3 पे बार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहां से खूबसूरत नजारा देखने को आपको क्या मिल रहा है, आप देखिए ध्यान से, इस माइनस 2 से इस प्लस 2 के बाजे बज गए, इस प्लस 2 से इस माइनस 2 के बाजे बज गए। अब हमारे पास जीवन में रह क्या गया है, एक तो आपका 0.3 रह गया है जो कि ये है, एक आपके पास क्या रह गया है 0.3 पे बार रह गया है, एक आपके पास 0.3 रह गया है और एक और आपके पास आखिरी क्या रह गया है, यहां पर 0.3 पे बार रह गया कि नहीं रह गया। अब दोस्तों 0.3 और 0.3 दोनों मिलकर कितना बना लेंगे, 0.6 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और यहां से 0.3 पे बार, इसका क्या मतलब होता है भिन्न में, 1/3 हमने अभी सबसे पहला ही एग्जांपल ये लिया था कि 0.3 पे अगर बार आ रहा है इसका मतलब 1/3 है और ये संख्या भी कितनी हो जाएगी आपकी, 1/3। तो हमने इन चारों को कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब क्या कैलकुलेशन बच गई, देखो बहुत ही ईजी सी कैलकुलेशन बच गई है, क्या बच जाएगी देखो आप, अगर मैं 0.6 को कैसे लिखना चाहूं, 0.6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, सीधा सा फंडा है, दशमलव हटाऊंगा तो 6/10 आएगा कि नहीं आएगा, दशमलव मैंने यहां से हटा दिया और नीचे 10 लगा दिया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2/3 आएगा कि नहीं आएगा। इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 30। अच्छा एलसीएम ना ले डायरेक्ट, तो आप इसको काट भी सकते हो, कैसे, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, ठीक है। तो यहां से 10 से 30 का भाग लगाया तो कितना आया, 3, 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18, और यहां से मैंने 30 में 3 का भाग लगाया तो 10, 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20। टोटल बात करी जाए तो कितना हो रहा है, ये 38/30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 38/30 में जब मैं 2 का भाग लगा दूंगा, 2 से इसके बाजे बजा दूंगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है 19/15 ये आपको मिल जाएगा। और यही संगणक में जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर था। बच्चों को ये दिक्कत आ गई कि अगर भैया दशमलव के इधर बार लग रहा है तो इसको कैसे डील करना है, तो दोस्तों दशमलव के अगर इधर बार लग रहा है तो इधर वाली संख्या आपकी नेगेटिव की हो जाएगी और इधर वाली जैसी भी है वो उसमें जुड़ जाएगी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है आपका दशमलव विस्तार से भिन्न में बदलने का। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे दशमलव विस्तार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भिन्न में किस तरीके से बदला जाता है, किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, दशमलव अगर दशमलव के इधर वाली संख्याओं पर बार लगता है तो उनको किस तरीके से डील किया जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम आने वाला है रीट का और पटवार का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, स्पेशली वो बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की, जो लोग हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियोस शूट कर रहे हैं और YouTube पर लाइव कर रहे हैं इन चीजों को। तो बने रहिए आचार्य क्लासेस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।